आज की तारीख में भारत अंतरिक्ष में सुपर पावर बन चुका है। अब पूरी दुनिया ये जान गई है कि इसरो अब कुछ भी कर सकता है, और इसरो केवल एक संसाधन नहीं है, वो 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीद है, जिस पर इसरो हर बार खरा उतरा है। इस बार फिर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे जानकर हर भारतीयों को गर्व होगा। इसरो 27 नवंबर को लगभग 27 मिनट में 14 उपग्रहों को लॉन्च करके इतिहास रचने वाला है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा बंदरगाह से सुबह 9:28 पर शुरू होगा। इसरो 14 उपग्रहों के साथ अपने PSLV XL संस्करण को भेजेगा। इसमें मुख्यतः भारत का 1625 किलोग्राम का कार्टोसेट 3 उपग्रह होगा। वहीं अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह भी इसमें भेजे जाएंगे। अमेरिका के 13 नैनो सैटेलाइट को फ्लॉक P4 के रूप में नामित किया गया है, जो की पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है, जबकि 13वें का नाम मेशबेड है, जो की एक संचार टेस्टबेड सैटेलाइट है। और भारत अपने जिस उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है उसके सामने क्या रूस, क्या अमेरिका और क्या चीन, इसरो सबको मात देने वाला है। यहाँ हम आपको बता दें कि 5 सालों तक कार्य करने वाले कार्टोसेट 3 उपग्रह को PSLV रॉकेट सबसे पहले सिर्फ 17 मिनट में कक्षा में स्थापित करेगा। इसरो के अनुसार कार्टोसेट 3 एक तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है, जो की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग की क्षमता रखता है। यह उपग्रह शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय भूमि उपयोग और अन्य मांगों की पूर्ति के लिए तस्वीरें ले सकता है। और इसी के साथ ही भारत अपनी तीसरी आंख खोलने जा रहा है, जो देश के दुश्मनों के लिए होश उड़ा देने वाली चुनौतियों के समान है। इसरो की इस सीरीज के उपग्रह पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और टेररिस्ट कैंप की जानकारी देकर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में मददगार साबित होगा। और यहां हम आपको बता दें कि कार्टोसेट 3 अपनी बाकी सीरीज के उपग्रह से काफी शक्तिशाली है। इसकी शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी नज़र इतनी तेज होगी कि यह उपग्रह आपकी कलाई में बनी घड़ी का टाइम भी देखकर बता सकता है। अर्थात अब दुश्मनों की बारीक से बारीक हरकतों को भी भारत की तेज आंख देख लेंगी। और इस उपग्रह में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कैमरा उपयोग किया गया है, जो अभी तक विश्व में किसी भी देश ने उपयोग नहीं किया है। इससे इसरो की बढ़ती ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है। अब देश की ताकतवर आंखों के नीचे किसी का भी बच पाना मुश्किल हो जाएगा। और अब किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की तो इस तीसरी आंख की मदद से सेना उनके घर में घुसकर उनका नामो निशान मिटा देगी।